फ्रेंड्स, अ वेरी वॉर्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली द हिंदू में एक आर्टिकल आया था बुलडोजिंग द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मोर ओवर, अभी नूह और गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा होगा कि कई घरों को डिमोलिश किया गया है ऑन द क्लेम कि ये वही घर थे जिनके ऊपर से पत्थरबाजी या स्टोन पेल्टिंग की गई थी। अब ये जो हुआ है, इसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें नोटिस नहीं इशू किया म्यूनसिपैलिटी गवर्नमेंट ने पहले, लॉ का एक तरीके से वहाँ पालन नहीं हुआ। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि संवैधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से क्या यह सही है। देन वी विल सी व्हाई न्यूज एथनिक क्लिंजिंग किसे कहा जाता है और एथनिक क्लिंजिंग का लॉ क्या है इंडिया में या इंटरनेशनली क्या लॉ है। इसके बाद लॉ और प्रोसीजर क्या है। इसके बाद एक चीज हमें जो जाननी है वो है कि रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ, इसमें क्या डिफरेंस होता है, राइट? तो ये हम चीजें थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज, रिसेंट जो हरियाणा के न्यू और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में आपने एक कंसर्निंग ट्रेंड देखा इंडियन पॉलिटिक्स में, जहां पे जो अनरेगुलेटेड डिमोलिशन हो रहा है रेसिडेंट्स का, बिजनेसेस का, छोटे छोटे खोके जो लोगों के थे सड़क के किनारे, और इंडिविजुअल्स वो हैं और जो कि क्रिमिनल ऑफेंसेस के एक्यूज्ड हैं, स्पेशली जहां कम्युनल वायलेंस हुआ है उन एरियाज में। अब जो पंजाब और हरियाणा के जो हाई कोर्ट हैं, इन्होंने सो मोटो प्रोसीडिंग इनिशिएट की और डिमोलिशन कैंपेन जो स्टेट करवा रहा था उसको सस्पेंड किया और क्वेश्चन किया कि क्या ये एक एथनिक क्लिंजिंग की एक्सरसाइज है जो स्टेट कर रहा है। अब एथनिक क्लिंजिंग होता क्या है? एथनिक क्लिंजिंग एक सिस्टमेटिक फोर्स्ड रिमूवल होता है किसी एक स्पेसिफिक एथनिक, रेशियल या स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप का एक गिवन एरिया से, जब उन्हें फोर्सफुली वहां से बाहर भेजा जाता है। ये बहुत अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, राइट? और इसका एक इंटेंशन होता है कि ये जो एरिया है इसमें केवल एक एथनिक ग्रुप या केवल एक ही कम्युनिटी मिले। ये कई जगह देखा जाता है, जैसे मणिपुर वाले इलाके में भी अभी यही एथनिक वायलेंस है। सो दीज आर द थिंग्स। सो इसमें डायरेक्ट रिमूवल होता है, एक्सटर्मिनेशन होता है, डिपोर्टेशन कर देते हैं या पॉपुलेशन का ट्रांसफर होता है। इसमें इनडायरेक्ट मेथड्स भी होता है, जैसे फोर्स्ड माइग्रेशन जो करवाता है कि जो विक्टिम है वो खुद ही से उस एरिया को छोड़ के चले जाते हैं वापस, जैसे कि मर्डर है, रेप है, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन है उस एरिया में। सो ये इनडायरेक्ट मेथड्स हैं एथनिक क्लेंजिंग के। ये एक इंसानियत के अगेंस्ट क्राइम है और ये जो जीनोसाइड कन्वेंशन है उसके अंडर भी फॉलो ये बेसिकली लाए कर सकता है। एथनिक क्लेंजिंग का कोई भी लीगल डेफिनेशन नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के अंडर, बट ऐसा होता है। सो एक व्यक्ति की जो गलती है वो उसके पूरे परिवार को दे दी जाती है एंड ये विदाउट फॉलोइंग अ प्रॉपर प्रोसीजर हो रहा है। नाउ एथनिक क्लेंजिंग का लॉ क्या है इंडिया में? तो एथनिक क्लेंजिंग डिफाइंड नहीं है इंडियन पीनल कोड में या इंटरनेशनल लॉ में। तो ऐसी कोई भी जो एक्ट होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो होते हैं इनके अगेंस्ट होती है, जो पार्टिकल पार्ट 13 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स का। सो दीज आर द थिंग्स। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 21 जो लाइफ एंड लिबर्टी का आर्टिकल है कि किसी व्यक्ति को उसकी लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जा सकता और ना ही उसकी पर्सनल फ्रीडम से, अनलेस अंटिल ये लीगल प्रोसीजर्स के द्वारा हो। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आउटरेज है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, जो स्टेट है, वो ऐसे कृत्य कर रहा है या ऐसी चीजें कर रहा है इन फंडामेंटल वैल्यूज के अगेंस्ट, डिस्पाइट कि आर्टिकल 21 का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, लॉ एंड प्रोसीजर, राइट? सो ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड है लॉ के द्वारा उसके अगेंस्ट है। हाई कोर्ट ने ये देखा कि जो डिमोलिशन ड्राइव हो रहा था ये बिना किसी डिमोलिशन ऑर्डर या बिना किसी नोटिस इशू किए हो रहा था, तो ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है इसका वॉयलेशन है। ये जो अनजस्ट डिमोलिशंस है बिल्डिंग्स का, ये बिना किसी प्रॉपर नोटिस के सीधा बुलडोजर पहुंच जाता है एंड क्रेन्स पहुंच रही हैं, अ प्रॉपर नोटिस शुड बी इशूड एटलीस्ट, एंड ये उनके बेसिकली इट इज इंफ्रेजिंग द राइट्स फॉर सोशल कंट्रोल। ये एक जुडिशियल इंटरवेंशन डिमांड करता है ये एक्शन। नाउ ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है। आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति को उसकी लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी से बेसिकली डिप्राइव नहीं किया जाएगा अनलेस अंटिल एक प्रोसीजर जो लॉ ने एस्टैब्लिश किया है उसके द्वारा। सो अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल, जैसे 1978 का जो मेनका गांधी केस था,
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो है इसको ब्रॉड किया था, इसके स्कोप को आर्टिकल 21 के अंडर। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे प्रोसीजर जो होने चाहिए वो फेयर होने चाहिए, जस्ट एंड रीजनेबल होने चाहिए, दे शुड नॉट बी फेंसीफुल ऑपरेसिव या दे शुड नॉट बी आर्बिट्ररी। देयर बाय एक प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया था। डिस्पाइट प्रोग्रेस इन द प्रोसीजरल फेयरनेस, कुछ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने इन क्रूशियल प्रिंसिपल्स को इग्नोर किया और सिटीजन्स जो उस स्टेट में रह रहे हैं उनके राइट्स को और उनके जस्टिस को जियोपार्डाइज किया या अंडरमाइन किया। मोर ओवर ये जो मिनिस्टर्स, जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं, ये जब ओथ लेते हैं ऑफिस की कि सो ये उस ओथ के अगेंस्ट भी है और बाकी कोई वर्बल या नॉन वर्बल थ्रेट्स भी अगर वो इशू करते हैं, सो इट इज अगेंस्ट द ओथ ऑफ द ऑफिस। नाउ रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में क्या डिफरेंस है? तो पहला है कि कानून से शासन और दूसरा है बेसिकली राइट। सो दीज आर द थिंग्स, ये कानून से शासन है और ये शासन जो कानून का इस्तेमाल कर रहा है। नाउ ये सबसे पहले रूल ऑफ लॉ एक बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड रूल ऑफ लॉ बेसिकली ये गवर्नमेंट जो है वो कानून से चलती है, इंसानों से नहीं, इमोशन से नहीं। जो रूट्स हैं रूल ऑफ लॉ के, ये आर्टिकल 39 से ट्रेस किया जा सकते हैं, जो मैग्ना ऑफ द मैग्ना कराटा 1215। सो ये एम्फसाइज करता है लॉफुल जजमेंट या ड्यू प्रोसेस की वैल्यू को। प्रिंसिपल परसिस्ट हुआ नोटेबली, जैसे हम आर्टिकल 21 को देखें, सो ये सुप्रीम कोर्ट इसको बार बार ब्रॉड करता है, इसकी साक्षात को सामने लेकर आते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच इज रूल ऑफ लॉ। अब आता है रूल बाय लॉ। रूल बाय लॉ का मतलब जब लॉ को एज अ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है स्टेट सप्रेस करने के लिए, ऑप्रेस करने के लिए, किसी कम्युनल वायलेंस को शांत करने के लिए या सोशल कंट्रोल के लिए, राइट। एंड इट इज इनकोर्स फॉर इंप्लीमेंटिंग पॉलिटिकल एजेंडा एज वेल। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन दीज स्टेट्स। सो बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसेस है उसको डीलेजिटिमाइज करता है, एंड ये जो अब तक की प्रोग्रेसिव जर्नी रही है इंडिया की इसको भी रिवर्स करता है। सो दीज आर द, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ। नाउ कंक्लूजन क्या है? सो कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे संविधान खतरे में आ जाता है जहां स्टेट जो होता है वो फ्रिक्वेंटली रिलीजियस परसिक्यूशन में अगर एंगेज हो जाता है। ऐसे ऑकरेंसेज बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं इनको अवॉइड करने चाहिए, इनको इंटरवेंशन करना चाहिए। इट इज वन थिंग टू परस्यू द ऑफेंडर, राइट। ये एक दूसरी चीज है कि आप उसकी फैमिली को या उसके एक नेबर को एविक्ट कर देते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो जो इंडियन रिपब्लिक है, फ्रेटर्निटी है, वो कहां जाएगी? सो दीज आर द क्वेश्चंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। नाउ वी हैव आवर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द चीफ जस्टिस, पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर। यू कैन टाइप द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, दे विल टेल यू इफ इट्स करेक्ट और नॉट। देन वी हैव आवर मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट कम्युनलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स that India faces today. Critically examine the factors responsible and suggest ways to deal with it. So this was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst Science for your better preparation.